खबरों की नई पहचान। लॉटरी के अवैध कारोबारियों पर जिला पुलिस का शिकंजा, 7 कारोबारी समेत भारी मात्रा में अवैध लॉटरी जब्त। अवैध लॉटरी के कारोबार पर लगातार मिल रही सूचना को लेकर धनबाद पुलिस की बड़ी कार्रवाई। गोविंदपुर थाना क्षेत्र से 39,000 नकद समेत लाखों के नकली टिकट और 7 लॉटरी कारोबारियों को हिरासत में लिया। धनबाद DSP अमर कुमार पांडे ने प्रेस वार्ता कर जानकारी देते हुए बताया कि पिछले कई माह से निरसा गोविंदपुर झरिया में चल रही लॉटरी के अवैध कारोबार को लेकर जिला प्रशासन को सूचनाएं मिलती आ रही थी। उसी को लेकर जिला प्रशासन ने कल बड़ी कार्रवाई करते हुए गोविंदपुर थाना क्षेत्र में खुलेआम बिक्री कर रहे अवैध कारोबारियों को धर दबोचा। पकड़े गए सभी आरोपी गोविंदपुर थाना क्षेत्र के ही हैं। विगत कुछ दिनों से अवैध लॉटरी के विक्रय, भंडारण एवं व्यापार की आसूचना प्राप्त हो रही थी और उस आसूचना के सत्यापन के क्रम में सूचना सही पाई गई। तत्पश्चात एक टीम बनाकर जो है धनबाद पुलिस के द्वारा छापेमारी की गई है, जिसमें सर्वप्रथम महताब आलम उर्फ टीपू को छापामारी के क्रम में पकड़ा गया। उसकी निशानदेही पे तथा उसके अपराध स्वीकारोक्ति के आधार पर अन्य 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिनमें महताब आलम उर्फ टीपू, विनोद विश्वकर्मा, शहाबुद्दीन अंसारी उर्फ किस्मत उर्फ मुन्ना, मृदुल बिस्टू, रमेश कुमार बावरी, मोहम्मद सबीर शाह, अमित दास, ये सभी गोविंदपुर थाना क्षेत्र के ही रहने वाले हैं और गोविंदपुर बाजार एवं अन्य यत्र तत्र घूम घूम कर इनके द्वारा लॉटरी बेची भी जाती है और लॉटरी का भंडारण क्रय विक्रय किया जाता है। हम लोगों को जो सूचना मिल रही है वो प्रायः यह मिल रही है कि आसनसोल एवं दुर्गापुर के क्षेत्र से यहाँ लॉटरी लाकर बेची जा रही है और कुछ आपूर्तिकर्ता भी हैं जिनको कि चिन्हित किया गया है और उनके विरुद्ध भी जो है छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है। अभी जो गिरफ्तार जो 7 व्यक्ति हैं उनसे पूछताछ जारी है। छापामारी के क्रम में कुल 7,859 लॉटरी, एक इनका हिसाब किताब रखने का जो लेखा जोखा रखने का जो रजिस्टर होता है वो कैलकुलेटर और कुल 39,780 रुपये बरामद की गई है। छापामारी में पूरे गोविंदपुर पुलिस की टीम का काफ़ी सराहनीय योगदान रहा है और आगे भी इस तरह लॉटरी का जो अवैध क्रय विक्रय व्यापार होता है